हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक गैलेक्सी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा 4 5 पिन है, 5 स्विच हैं और एक फ्यूज है। चलिए, इसका आज आपको हम कनेक्शन करके बताएंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है। चलिए, हम आपको इसका हम पूरा कनेक्शन के बारे में बताएंगे। जो नए हुए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को दबा लें। चलिए, हम इसका आपको कनेक्शन करके बताते हैं। सबसे पहले हम इसका हम कनेक्शन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें न्यूट्रल है। आप देख रहे हैं, यहाँ न्यूट्रल है। चलिए आपको हम दिखाते हैं, यहाँ न्यूट्रल है, फिर यहाँ पे भी न्यूट्रल है, यहाँ पे भी न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल। सब तारों को एक बस में हम अटैच कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें वायरिंग करने के लिए हम 0.5 mm का तार लेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रल में इसे कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद इसको भी हम दूसरे छोर को न्यूट्रल से हम कनेक्ट कर देंगे। वायर को हम छील लेते हैं। इसे हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। अच्छे से टाइट कर लेंगे, क्योंकि बाहर मेरा वायर निकले ना, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। चलिए, उसके बाद हम तीसरा को भी न्यूट्रल से कनेक्ट कर लेते हैं, तीसरा 5 पिन को भी। चलिए, हम इसे भी टाइट से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, जो कि मेरा वायर बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसे भी अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। जैसे कि मेरा तीसरा नंबर टाइट हो गया, अब चलिए चौथे वाला 5 पिन को भी हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। इसे भी हम छील लेंगे, वायर को कटिंग करके हम यहाँ पे, जो कि मेरा लास्ट न्यूट्रल है, उसे कनेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया है। चलिए, उसके बाद हम इसे स्विच से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले स्विच को वायर से कनेक्ट कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, तीसरा स्विच 3 नीचे 2 ऊपर पे है। इसी तरह से आप भी कनेक्शन कर लो, जो कि ये मेरा फेज रहेगा, जो कि मेरा एल है। चलिए, पहले हम स्विच को कनेक्ट कर देंगे, नीचे वाले छोर में पहले कनेक्ट कर लेंगे। जो कि ये मेरा फेज रहेगा, इसे भी दूसरे को भी छील के उसे भी स्विच से कनेक्ट कर लेंगे। चलिए, उसके बाद हम दूसरे वाला स्विच को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम तीसरा स्विच को, जैसे जैसे देख रहे हैं उसी तरह आपको भी उसी तरह स्विच से कनेक्ट करना होगा। स्विच में टाइट करने उसके बाद अच्छी तरह से इसे हम टाइट कर लेंगे, वायर को। अब उसके बाद हम तीसरा वाला स्विच को भी हम टाइट कर लेंगे, वायर को। पहले हम यहाँ पे छील लेंगे। आप इसे चाहो तो ऐसे नीचे छील के आप पूरा वायर लगा सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसे इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। चलिए, उसके बाद यहाँ पे भी हम छील लेंगे। उसके बाद चौथा स्विच को हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद 5वां स्विच को कनेक्ट करेंगे।
चलिए इसे हम टाइट कर लेंगे, तीसरा नंबर स्विच को, चौथा नंबर स्विच को। अब मेरा लास्ट स्विच बचा है, इसे भी हम कनेक्शन कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा 55 नंबर स्विच कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो वायर जो बचा है इसे हम फ्यूज से कनेक्ट कर देंगे, जो कि ये मेरा एल हो गया, जो न्यूट्रल है ये एल हो गया, इसे हम फ्यूज में कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं मेरा हो चुका है। चलिए इसका हम उसके बाद हम वायर लेंगे, उसके बाद एल से कनेक्ट करके उसके बाद स्विच में कनेक्शन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एल है, इसे हम टाइट कर लेंगे। उसके बाद वायर को हम वहां पे स्विच से कनेक्शन करेंगे, जो कि ऊपर साइड की ओर रहेगा स्विच के नीचे, और ऊपर की ओर रहेगा। जैसे देख रहे हैं मेरा एक 5 पिन हो चुका है सेट। उसके बाद हम दूसरा 5 पिन को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से आप सारे स्विच को 5 पिन से कनेक्ट कर लेना है। ये मेरा चौथा 5 पिन है। इसमें आप पंखा या बल्ब लगाना चाहते हो तो एक न्यूट्रल से देना है, एक स्विच से कनेक्शन देना है। इसमें आपका पंखा बल्ब चलिए कनेक्शन हो जाएगा। वायर को काट लेंगे जितना लगेगा, इसलिए वायर को हम काट के छिल लेंगे। उसको इसे भी हम स्विच से कनेक्ट कर लेंगे। जैसे हम देख रहे हैं स्विच से मैंने कनेक्ट कर दिया। इसी तरह एक न्यूट्रल में और एक स्विच में लगा देना है, तो आप पंखा या बल्ब यूज कर सकते हैं कनेक्शन। और इसे भी हम स्विच से कनेक्ट कर लेंगे। सारा वायर को हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, जो कि मेरा ढीला ना हो रह जाए, इसलिए हम स्विच को जितना भी नट को अच्छी तरह से हम टाइट कर लेंगे। चलिए एक वायर हम न्यूट्रल से निकाल लेंगे, जो कि लाइन देना है इसमें, क्योंकि मेरा लास्ट जो छोर था इसमें हम जो न्यूट्रल वाला था उसमें हम कनेक्ट कर लेंगे। जो कि इसमें हम लाइन देंगे, एक लाइन रहेगा एक न्यूट्रल रहेगा। चलिए उसके बाद हम एक वायर और लेंगे जो फ्यूज से कनेक्ट करेंगे, जो फ्यूज चलिए मेरा दोनों वायर बाहर निकल गया। जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा बोर्ड बन के कम्प्लीट हो गया। ये
न्यूट्रल हो गया, यह हो गया लाइन, हो गया ऊपर वाला। जैसे आप देख रहे हैं मेरा वायरिंग कंप्लीट हो गया। चलिए उसके बाद हम इसका फ्यूल बना लेंगे। एक वायर अंदर में, एक पतला सा वायर लगा के मैं इसका फ्यूज बना लेते हैं। ज़्यादा मोटा भी नहीं डालना है, अगर बाई चांस आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका फ्यूज उड़ेगा नहीं, इसलिए हम पतला वायर लेंगे, सबसे पतला। जैसे आप देख रहे हैं मेरा कंप्लीट हो गया है फ्यूज बन के। एक वायर मैंने इसमें लगा दिया है, चलिए हम इसे लगा देते हैं फ्यूज में। चलिए उसके बाद आपको हम बोर्ड में लाइन देके आपको चेक करके दिखा देते हैं। मेरा बोर्ड बन के कंप्लीट हो गया, चलिए आपको एक बार लाइन देके हम चेक करके दिखा देते हैं। चलिए हम इसमें आपको चार्जर लगा के चेक करके दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरा काम कर रहा है, देख रहे हैं नीचे चार्जर शो कर रहा है। चलिए एक बार फिर आपको दिखाते हैं, देखिए मेरा चार्ज हो रहा है, स्विच भी वर्क कर रहा है। चलिए उसके बाद दूसरा वाला दिखा देते हैं। इसमें भी आपको देख रहे हैं काम कर रहा है, स्विच भी काम कर रहा है। चलिए इसके बाद ओप्पो हम ऊपर में चेक करके दिखा देते हैं। जैसे देख रहे हैं इसमें भी काम कर रहा है। देख रहे हैं ये भी काम कर रहा है। उसके बाद आपको लास्ट वाला हम 5 पिन आपको चेक करके दिखा देते हैं। जैसे देख रहे हैं आप मेरा वर्क कर रहा है। बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मेरा बोर्ड बन के कंप्लीट हो गया है, सारा मेरा 5 पिन सारा वर्क कर रहा है, सारा स्विच ओके है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।